2024 में बीजेपी ने 370 सीटों का लक्ष्य रखा है और दिल्ली से अंबाला के रास्ते लुधियाना होते हुए हम आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां से पिछली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 370 हटाया था। क्या है 5 लोकसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर के लोगों का मिजाज और माता वैष्णो देवी का किसे मिलेगा आशीर्वाद, ये जानने के लिए वंदे भारत से लुधियाना से जम्मू का सफर कीजिए आज तक के साथ। वंदे भारत चुनाव यात्रा में हम सफर कर रहे हैं लुधियाना से जम्मू और जम्मू से फिर हमें माता वैष्णो देवी कटरा तक जाना है। हम आपको जम्मू ले चलेंगे और जम्मू में हम बताएंगे कि वोटरों का मूड क्या है, चुनाव यात्रा में किस तरह के रंग चुनाव के लिए लग रहे हैं और आगे उनकी चटक और चमक कैसे बढ़ने वाली है। आम जनता के, आम वोटर के दिल में झांकेंगे और ये देखेंगे कि इस वंदे भारत से सफर करने वाले लोग और जम्मू में रहने वाले लोग दोनों क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं, वंदे भारत आ चुके हैं। नई दिल्ली से कटरा तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 9:19 पर लुधियाना पहुंचती है और 9:21 पर रवाना हो जाती है। लुधियाना से जम्मू तवी तक 265 किलोमीटर का सफर 3:17 में पूरा कर ये ट्रेन 12:38 पर जम्मू तवी पहुंच जाती है। भारत माता की जय। वंदे भारत चुनाव यात्रा के दौरान हम लुधियाना से जम्मू का सफर कर रहे हैं और इसमें हम लगे हाथ लोगों से बात भी कर रहे हैं। जो यात्री साथ चल रहे हैं उनसे हम बात करें कि आखिर अगले चुनाव को लेकर आने वाला चुनाव, यानी अब से 1 महीने बाद करीब तो पूरा देश सियासी रंग में रंग जाएगा, तो सहयात्री हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करें। मैं तो केवल लोकतंत्र में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी जाति या धर्म को देख के वोट मत देना। जाति या धर्म को देख के रिश्ते नाते जोड़े जाते हैं, MLA या MP नहीं बनाया जाता है। 5 साल में आपने सारी चीजें तो देखी होंगी, तो आपकी क्या राय बनी? देखो सर, मैं आज से पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं उनके अगर मैं कंपैरिजन में बात करता हूं तो मोदी सरकार बेहद ज्यादा बेहतर है। मैं सहमत हूं, मैं इनके साथ ही हूं। जो भी हो आएगा मोदी ही, ये पक्का है। चाहे विकास हो या ना हो, आएगा। विकास तो हो रहा है ना, विकास हो रहा है, तभी तो कह रहे आएगा मोदी ही, और कोई कैपेबल है ही नहीं। जो भाई साहब ने कहा ये लोकतंत्र की जो बात कही है उससे सहमत, लेकिन जो ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ वहां पर ये जो लोकतंत्र के खिलाफ जो है उससे फीलिंग थोड़ी सी हट होती है और ये एक बहुत खराब मैसेज हरियाणा और पंजाब में गया। जो ये चंडीगढ़ का मेयर इवेंट हुई है, बहुत इससे इमेज बीजेपी की खराब हुई है। ये जो ट्रेनें आप देख रहे हैं ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी वंदे भारत ट्रेन हमें मिलेगी, और जम्मू से आगे जो श्रीनगर तक ये जो बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, अजूबा है। और श्रीनगर के भी हालात चेंज हो गए 370 हटने के बाद, लोग बाजारों में घूम रहे रात के 11 बजे तक, तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। कश्मीरी लोगों से मेरा संपर्क है तो वो इतने खुश हैं कि शायद इतना काम उन्होंने पिछले 20 साल में नहीं देखा होगा जितना काम उन्होंने ये 3-4 साल में देख लिया। लुधियाना से हम पहुंच गए हैं जम्मू और जम्मू में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, चुनावी बयार किधर की बह रही है और उनके दिल में क्या है, ये जानने के लिए हम जम्मू शहर के गलियों में, सड़कों पर, नुक्कड़ चौराहों पर पहुंचेंगे। आप भी हमारे साथ चलिए जम्मू के सैर पर। जम्मू लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने तीसरी बार यहां से जुगल किशोर शर्मा को उतारा है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2014 में उन्होंने कांग्रेस के मदन लाल शर्मा को 2,57,000 वोट से पराजित किया था। वंदे भारत चुनाव यात्रा के दौरान हम यहाँ पहुंच गए हैं जम्मू और जम्मू के रघुनाथ बाजार में हम मौजूद हैं। पीछे श्री रघुनाथ जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है और ये रघुनाथ बाजार में हम लोगों से बात करना चाहते हैं और ये देखते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। जम्मू के लोगों के मन की थाह लेते हैं, उनके मन में झांकते हैं और ये देखते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर कैसी बयार जम्मू में बह रही है। 370 हट चुका है, आतंकवाद को लेकर भी लोगों से बात करते हैं, तो आइए हमारे साथ आप भी चलिए रघुनाथ बाजार का एक चक्कर लगाते हैं।
ये वही रघुनाथ मंदिर है जहां 24 नवंबर 2002 को पूजा पाठ करते हिंदुओं पर आतंकी हमला हुआ था और कम से कम 10 लोग मारे गए थे। 370 हटाए जाने के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त है और रघुनाथ बाजार में शांति है। हालांकि अब सचिवालय पहले की तरह सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू नहीं आता। इससे कारोबारियों की शिकायत है कि बाजार थोड़ा ठंडा और मंदा रहता है। जम्मू के साथ जितनी हम सोचते थे कि बड़ी अच्छी कुछ चीज मिलेगी, वो हमें मिली नहीं। जम्मू के अंदर खासतौर से अगर आप ट्रांसपोर्ट को देखें तो ट्रांसपोर्ट जितने भी हमारे जो क्षेत्र थे टूरिज्म को लेके, उसको विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसमें अंदर रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई, कमियां तो हैं बड़ी है जम्मू के अंदर भी। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा ही होगा चुनाव जो भी है। इस समय आपने देख लिया राज्यसभा के चुनाव में क्या हालत हुई है। इसी ढंग से जो आगे जो आने वाला समय है उस समय भी ऐसी ही पोजीशन बनेगी, क्योंकि हमारे हिसाब से बीजेपी को छोड़ के बाकी की अपोजिशन के पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। G20 जो लगाया इधर भी लगना चाहिए ना, जम्मू में भी लगना चाहिए। जम्मू की मार्केट में इधर रघुनाथ बाजार सेक्ट्रेट आता था, इतना काम होता था, यहाँ काम बंद हो गया ना, काम है ही नहीं है इधर, 40% काम रह गया इधर। सर मेरे को तो सारी जगह बीजेपी दिखती है और मैं खुद मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा जितना भी यूथ है जो जिसको आप यंग जनरेशन कहते हो, मोस्टली सब मोदी के फैन है। और हर एक बंदा जो चाहता है वो, क्योंकि उसने इतना कुछ कर दिया हुआ है आज की डेट में, हर एक फील्ड में वो आ गया। 370-35 हटने के बाद सबसे बड़ा असर आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है? सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि यहाँ कुछ जरा सी बात भी होती थी कश्मीर के अंदर तो हालात खराब हो जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे, मार्केटें बंद हो जाती थी, कैलेंडर लग जाता था, छुट्टियां हो जाती थी। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है, अमन है, शांति है और इलेक्शन का माहौल है। जम्मू के लोग जो लोग है ना वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी। इसके यहाँ पे जो जम्मू से ज्यादा पैसा कश्मीर में लग रहा है, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में लग रही है। आप विक्रम चौक चले जाइए, जम्मू का हेरिटेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल लेक, वो 2014 में काम शुरू हुआ था, आज 2024 हो गए, 10 साल हो गए उसको काम शुरू हुए, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को वोट मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा जितना आगे मिलता था, क्योंकि हम बहुत तंग हैं। अब बीजेपी को ही वोट डाल सकते, इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। रघुनाथ बाजार से हमने जम्मू यूनिवर्सिटी का रुख किया और ये पाया कि युवाओं के बीच रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बस इतनी कहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना है यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयड चरम सीमा पर है। जो भी सरकार जीते, मैं तो ये चाहती हूँ जो भी सरकार जीते वो इनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मतलब यंगस्टर की एम्प्लॉयमेंट को, मतलब कि उनकी उनको ध्यान रख के उनके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। जैसे कि मतलब कि बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं रिलेटेड टू, मतलब स्टडी कर ही रहे हैं, मतलब जो भी जॉब के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं पर उनको कुछ हो नहीं पा रहा है। वंदे भारत चुनाव यात्रा के दौरान हम जम्मू पहुंचे तो हमने यहां पर सोचा कि यहां के राजमहल यानी इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा की जाए और हमने यहां हरि महल और अमर महल में आकर लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव को लेकर उनके क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच है, क्या भावना है। आप भी चलिए हमारे साथ। भारत चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे जम्मू और जम्मू के राजमहल की तरफ जब हम आए हैं तो युवराज विक्रमादित्य सिंह जी से हमारी मुलाकात होती है और उनसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये यात्रा तो हर आम और खास की मनोभाव को, उनकी जो सोच है उनको लेकर सामने लेके आती है। तो हम युवराज विक्रमादित्य जी से जानेंगे कि इस बार, नमस्ते, इस बार आने वाले चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ हैं, चैलेंजेस क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, आपकी निगाह में क्या क्या? संजय जी, हमें तो बहुत खुशी है कि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो दोबारा से उसकी शुरुआत होगी। 2019 के बाद जो
चेंजेस जम्मू कश्मीर में लाए गए और जो हम स्थिति देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। उस समय भी भाजपा सरकार ने कहा था कि समय आने पे हम चुनाव भी करवाएंगे और समय आने पे हम जम्मू कश्मीर का स्टेटस दोबारा से रिस्टोर भी करेंगे। तो मुझे लगता है ये उसी की एक शुरुआत है। सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उसमें ये है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। मेरे ख्याल है मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हालात जम्मू कश्मीर में सुधरे हैं और आने वाले समय में भी सुधरेंगे और जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने यहाँ पे मिलजुल के कार्य किया है, जे एंड के पुलिस ने भी मिलकर इनके साथ कार्य कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस अभी आने हैं और मैं समझता हूँ कि अब वो हालात जो 5 साल पहले थे जम्मू कश्मीर, अब वो हालात आने की नौबत नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर में अगर हम प्रोग्रेस की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में बढ़ना चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, टूरिज्म फूले फले, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उन लोगों को बेनिफिट मिले, तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये कार्य संभव हो सकता है। वंदे भारत चुनाव यात्रा के दौरान हम पहुंचे जम्मू और जम्मू में हमने कई तबकों से बात की। सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ा है अनुच्छेद 370 हटने का, वो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोग। इनसे हम बात करते हैं कि इसका सच में 370 हटने के बाद आप लोगों के जीवन पे और तमाम चीजों पे कितना असर हुआ है, चुनाव पे इसका कितना असर हो रहा है? सर, चुनाव तो मैं कह रहा हूँ बड़ी छोटी सी चीज है, चुनाव पे तो इस चीज का असर होगा ही होगा, लेकिन जो हमारी जिंदगी पे असर हुआ है इस चीज का, जो बदलाव हुआ है जब से मोदी साहब आए हैं और खास तौर पे 370 और 35A जैसे काले कानूनों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आपको जल्द ही दिखाई देगा। बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कोई भी वाल्मीकि समाज से जो भी यूथ है वो कोई भी हायर एजुकेशन जो है वो परस्यू नहीं कर सकता था। अगर वो करता भी है तो वो एलिजिबल नहीं होता था कोई और जॉब के लिए, कोई और ऑक्यूपेशन के लिए। तो उसकी वजह से जो है हमें सिर्फ एक ही काम मिलता था यहाँ पर, सफाई कर्मचारी का। और जब हम पढ़ लिख कर भी सफाई कर्मचारी का काम करेंगे तो ये सबसे निराशनीय जो है काम है, या सबसे निराश करने वाली बात है कि जो एक पढ़ा लिखा यूथ है वो सफाई कर्मचारी का काम करे। जम्मू में आज के लिए आज तक की चुनाव एक्सप्रेस वंदे भारत की कवरेज में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको हम ले चलेंगे माता के दरबार, कटरा से करेंगे माता वैष्णो देवी के भवन की यात्रा। संजय शर्मा, जम्मू आज तक।